धातु रूप के इस दूसरे अपलोडेड वीडियो में आपका स्वागत है। आपने इसके पहले शब्द रूप और एक धातु रूप के अपलोडेड वीडियो को भी देख लिया होगा। आपने ज़्यादा से ज़्यादा लकार के रूप सही हों इसके लिए पहले वीडियो के अनुसार लकार के पांचों रूप प्रश्नेपदी और आत्मनेपदी में आपने देख ही लिया होगा। आइए देखते हैं इस वीडियो में आपके कितने उत्तर सही होते हैं। आप उत्तर को कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें ताकि आप अपनी जांच स्वयं कर सकें। पश्यंतु किस धातु का रूप है? दृश्य, पश्य, पश, पय। पश्यंतु उत्तर है दृश्य। आसन में कौन सा लकार है? लट, लंग, लृट, लिंग। आसन याद रखेंगे, आसन अस धातु का मूल रूप है और इसका उत्तर होगा लंग, क्योंकि अस धातु को जब हम लोग लंग लकार में पढ़ते हैं तो इसके रूप चलते हैं आसित, आस्ताम, आसन के रूप में इसके रूप चला करते हैं। तंति का मूल धातु कौन है? अस, सन, सत, सित। कुछ महत्वपूर्ण धातु हैं अस, क्री, दा, सुरु। इन धातुओं के रूप विभिन्न लकारों में अलग अलग रूपों में परिवर्तित होकर चलते हैं, तो इसका एक उदाहरण है संति, जो मूल धातु अस का रूप है। जब हम लोग अस को लट में पढ़ते हैं तो अस्ति, अस्त, अंति न होकर यह संति हो जाता है। इसलिए आप इस धातु को, चूँकि यह संस्कृत का हेल्पिंग भर्ब है जो इज, एम, आर, वाज, वेयर के फॉर्म में चलता है, आप इसे निश्चित रूप से अलग से देख लें ताकि इससे रिलेटेड प्रश्न आपके गलत न हों। अकरोत किस लकार का रूप है? लठ, लंग, लृट, लोट। उत्तर है लंग। जब धातु के पहले सामान्यतः अ लगे होते हैं तो वह लंग लकार का प्रतीक होता है, आप ध्यान रखेंगे। दृश्य धातु लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन का रूप क्या होगा? दृश्य धातु दृश्यति, पश्यति, द्रक्षति, दस्ति। मैंने इसके पहले के वीडियो में भी चर्चा की थी कि दृश्य धातु अपने मूल रूप पश्य के रूप में चलता है, पश्यति, पश्यत, पश्यन्ति सभी लकारों में। सिर्फ लृट लकार में इसके रूप चेंज होते हैं और जब वह रूप चेंज होगा तो सही उत्तर होगा ग। प्रश्न 26 अस्तु किस लकार का रूप है? लठ, लंग, लृट, लोट। अस्तु उत्तर है लोट, जो मैंने इसके पहले भी हेल्पिंग वर्ब की चर्चा की। अस्तु, अस्ताम, संतु या लोट के रूप में चलता है। अगच्छत का लकार पुरुष एवं वचन बताइए। अगच्छत तो इसके लिए हमें सबसे पहले मूल धातु पहचानने हैं। धातु है गम। अभी मैंने चर्चा की कि धातु के पहले जब अ का प्रयोग होता है तो वह हमेशा अ लंग लकार का प्रतीक होता है, और आपके ऑप्शंस में एक ही ऑप्शन है जो लंग लकार प्रथम पुरुष एक वचन है, इस प्रकार यही उत्तर सही है। अहनम में कौन सा लकार है? लृट, लोट, लंग, विधलिंग। अहनम उत्तर है लंग। आप नोतु का मूल धातु क्या है? नृ, आप, आत, अन। आप नोति उत्तर है आप। दद्यात का मूल धातु क्या है? दद्यात, दद, दद्य, दान, दा। तो उत्तर है दा। दद्यात विधिलिंग लकार प्रथम पुरुष का एक वचन रूप है दा धातु का। प्रश्न 31 अहन किस लकार का रूप है? लठ, लंग, लोट, लृट। अहन अ लगा हुआ सब लंग लकार। हंति का लकार पुरुष एवं वचन क्या है? हंति, इसके पहले भी मैंने इसका रूप पढ़कर बताया था। उत्तर है क। लट प्रथम एक। हंतु का वचन क्या है? एक वचन, द्विवचन, बहुवचन, कोई नहीं, हंतु। तो
तु ताम अंतु। अब आप गौर करें उत्तर सही क्या होगा, एकवचन, क्योंकि इसके रूप हंतु हंताम घनंतु के रूप में चलता है। 34 जही किस लकार पुरुष एवं वचन का रूप है, लोट मध्यम एक, लट मध्यम एक, लृट प्रथम बहु, लिंग प्रथम एक। जही सही उत्तर है लोट मध्यम एक। इस शब्द का प्रयोग महाभारत में भी हमें और गीता में भी देखने को मिलता है, जो हन धातु से बना है। जही का मूल धातु मैंने पहले उत्तर बता दिया, इसका मूल रूप है हन। दा धातु के लोट लकार मध्यम पुरुष एक वचन में रूप होता है, दा लोट मध्यम एक, ददतु ददा ददातु देही, दा धातु ध्यान रखेंगे देही। ददती किस लकार का रूप है, बहुवचन द्विवचन एकवचन कोई नहीं। दा धातु को जब आप पढ़ेंगे लट लकार में तो इसके रूप चलते हैं ददाति ददतः ददती। मैंने पहले भी कहा कि ये सामान्य धातु से हटकर इसके रूप चलते हैं, इसलिए आप इसे एक बार देख लें। उत्तर हो गया क। जिघ्रति में मूल धातु क्या है, जी घ्रा अति घ्र। उत्तर है जिघ्रति में मूल धातु घ्रा। मित्रों आपने सब्सक्राइब कर लिया होगा, आप सब्सक्राइब नहीं किए तब तक मैं कर लें, मित्रों को शेयर जरूर करें, लाइक करना तो एकदम न भूलें। पुनः इसके दूसरे वीडियोज में हम लोग मिलते हैं। धन्यवाद।